उस कमरे की दीवारें बहुत मोटी होनी चाहिए ताकि कोई हंटर की आवाज मुझे न सता। या अल्लाह, क्या ये वही हंटर है जिसके बारे में आहिल बता रहे थे? क्या उनके अब्बू ने इसी हंटर से मारा करते थे? नहीं नहीं, मैं उनको ये हंटर नहीं दिखा सकती। पुरानी यादों को देखकर पुराने जख्म भी हरे हो जाते हैं। ना जाने अगर आहिल इस हंटर को देख ले और परेशान हो जाए तो फिर वो अपने दिल का दर्द मुझसे कभी नहीं बांटेंगे और मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि वो कौन सी बात है जो मेरे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। लेकिन मैं इसका राज कैसे पता करूं? सनम, क्या हुआ? कुछ नहीं। इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं तो फिर? नहीं नहीं, मैं तो वो क्या, हाँ, ड्रीम हाउस के बारे में सोच रही थी। वो जो स्केच था वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और यकीन कीजिए बहुत अच्छा बना है। मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत। एनीवे, मैं वॉशरूम गया था। हाँ। हे अल्लाह, बच गई आज तो। अगर कहीं आहिल ये हंटर देख लेते ना, पता नहीं कितना भड़क जाते मेरे ऊपर। अब ये क्या है? मैंने ये आपके दोस्तों के लिए बनाया है। मुझे नहीं पता कि कल इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई और मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब जो हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन आया, जब हम चीजों को बदल नहीं सकते ना तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ना ही बेहतर होता है। और वैसे भी बेकार में बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। हाँ मुस्ताकिम, बस यार मैं 2 मिनट पहुंच रहा हूं। रहने दो फैज, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि डायरेक्टर साहब को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कल रिहर्सल्स में आने का कोई फायदा ही नहीं। क्या? पर यार तुम्हारी बात, किसका फोन था? सब ठीक तो है ना? ठीक कैसे कैसे होगा ठीक? अरे इतनी बेइज्जती के बाद क्या कोई मुझे काम देगा? निकाल दिया उन्होंने प्ले में से मुझे, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। जाओ जाओ, मिठाई बांटो बाहर जाके, जाओ। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी गलती की सजा आपको कैसे दे सकते हैं? एक मिनट, मैं बात करती हूँ उनसे, मैं बात करती हूँ। क्या बात? ओके टेल मी, क्या बात करोगी, कैसे बात करोगी, बताओ मुझे। अरे बोलो ना, आप चुप क्यों? हाँ बताओ ना मुझे, क्या बात करोगी? अरे ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने तुम्हारे साथ जो मुझे ये सारे दिन देखने पड़ रहे हैं? बताओ। कोई भी बीवी है ना अपने शौहर के साथ वो नहीं करती जो तुमने कल मेरे साथ किया है। और तो जब मैं तुम्हें छूता हूँ ना तो तुम ऐसे रिएक्ट करती हो कि पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। तुम्हारा निकाह को इतना वक्त हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है, तुमने आज तक मुझे अपने पास आने का मौका तक नहीं दिया। बताओ क्यों? अगर ये रिश्ता निभा रही तो उसको बनाया क्यों? अरे बताओ मुझे, प्लीज आंसर मी, क्यों किया मेरे साथ निकाह? बताओ, आई वांट द आंसर, टेल मी व्हाई। हाय अल्लाह, ने कमबख्त मारी ने क्या कर लिया अभी? फैजू, क्या वो बच्चा, बता। ये अल्लाह, कितना खून निकल रहा है बेटा। तू उसके लिए अपनी जान देने को तैयार है? देख रहा, वो कमबख्त मारी एक दिन अब तेरी जान ले लेगी। पुपी प्लीज, देखिए पुपी, ऐसी कोई बात नहीं है, एक छोटा सा एक्सीडेंट था, इसमें हया की कोई गलती नहीं है।
और क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप मेरे और हया के बीच मत आया कीजिए, तो बेहतर है। वो तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही फैजू, मेरी बात सुन फैजू। वैसे हया ने अच्छा आइडिया दिया है फैजू बेटा, जो एक बार होता है ना उसे हादसा कहते हैं, और जो बार बार होता है ना उसे बदनीयती कहते हैं। अब तो कुछ ऐसा होगा कि इनका तलाक होने में खुद खुदा भी नहीं रोक पाएगा। हाँ, सलमा नाम है हमारा, सलमा। सुनहरी जी, मैं लाइसेंस की मीटिंग्स के लिए जा रहा हूँ। कितनी देर लगा के आएंगे? 2-3 घंटे में आ जाऊंगा। Alright. काफी है। छोटा सा काम था। हाँ? ये सारी इनवॉइसेस को डेट वाइज फाइल कर दो प्लीज। जी। ओके। पक्का आप 2-3 घंटे से पहले तो नहीं आएंगे ना? हाँ, I'll see you after lunch. Okay. हाँ, thank you. Bye. Bye. Okay. I'll see you after lunch. No, you'll see nothing. सुनहरी, काम पे लग जाओ। Finally, अब ये मौका मैं हाथ से बिल्कुल नहीं गवाऊंगी, क्योंकि अब सुनहरी और इस तिजोरी के बीच और कोई नहीं आ सकता। बीबी जी, एक मैडम आई थी यतीम खाने से, ये पैकेट दे गई है रेहान साहब को देने के लिए। तुम्हारी टाइमिंग हमेशा गलत क्यों होती है? हाँ, रख दो ये। ये क्या है? तो अच्छा खासा दिन है, इस लालटेन का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते तुम? वो क्या है ना बीबी जी, हमें थोड़ा कम दिखाई देता है। हो गया तुम्हारा, निकलो यहां से। काम भी नहीं कर रहे। रेहान चाचा नमस्ते, मैं समर कैंप में बहुत मजे कर रही हूँ। अगर आप मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा ना देते तो मैं कभी भी ऐसे स्कूल में नहीं जा पाती। थैंक यू सो मच, आई मेक यू प्राउड सुमन। ये रेहान थोड़ा अजीब है। पापा, लोगों के पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है, यतीम खाने से बच्चे को पढ़ा रहा है। कुछ नहीं सोचना है मुझे। जिस इंसान से शादी करोगे वो दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। तो फिर से सोच रही है सुनहरी? लेकिन मैं सोच क्या रही हूं? नहीं, सिंपल सी चीज है, तिजोरी खोलूंगी, पैसे निकालूंगी और चली जाऊंगी। इसमें इतना क्या सोचना है? पहली बार थोड़ी ना कर रही हूं, से मुझे क्या लेना देना? रेहान की ये सब अच्छी चीजें मुझे क्यों रोक रही है अपना काम करने से? हाँ
Hello? Hello? Hello, कौन बोल रहा है? Hello? आवाज नहीं आ रही है. काली खाली रातों से होने लगी. ड्रीम हाउस तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया और अच्छा खासा बन गया. नहीं, नॉट बैड. अब मैंने रूम्स भी डिसाइड कर लिए हैं. रियली? ये देखिए, यहाँ से अंदर जाके बड़ा सा हॉल होगा, ठीक है. इसके अंदर से लेफ्ट जाके बेडरूम, उसमें होंगे ब्लू कलर के पर्दे और बेडरूम के एकदम साथ में बच्चों का कमरा. किसका कमरा? बच्चों का कमरा? यू मीन? नहीं, हया और फैज के बच्चे. ऑफ कोर्स, फैज और हया के बच्चे. वो छुट्टियां मनाने आएंगे ना हमारे घर, तो फिर उन्हें एक अलग कमरा चाहिए होगा ना. फैज और हया के बच्चे को कमरा चाहिए होगा, राइट? मैंने तो ये भी डिसाइड कर लिया है कि रूम को कैसे सजाऊंगी. रूम में बहुत सारे खिलौने होंगे, हर तरह के खिलौने, ढेर सारे. फैज और हया के बच्चों के लिए, राइट? और एक बड़ा सा स्टडी टेबल होगा जहाँ पर वो बैठ के अच्छे से पढ़ेंगे, और एक बड़ी सी शेल्फ होगी जिसमें बहुत सारी बुक्स होंगी, अलग अलग तरह की स्टोरी बुक्स एंड ऑल. और हाँ, बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश और क्रिकेट आप सिखाएंगे. अब फैज और हया के बच्चों को क्रिकेट, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब मैं सिखाऊं? हाँ, क्योंकि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी अच्छे से बात करें. और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे. How do you know that? मैंने आपकी ट्रॉफीज देखी. ट्रॉफीज तो एटिक में पड़ी है. वहीं देखी. क्या करी थी वहां पर? आहिल, यूं ही गई थी बस. ये मतलब क्या सनम? कोई भी बेवजह नहीं जाता. तो वहां पर मेरे पास के बारे में पता करने गई थी, राइट? Am I right or wrong?
हाँ हिल मैं गई थी, लेकिन इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है सनम कि एक बार मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे पास के बारे में पता करने की कोई जरूरत नहीं, then why do you do it? क्यों करते हो तुम ये सब? आहिल मैं वैसे ही जानना चाहती थी आहिल। Why don't you just understand? आहिल बाबा। बेगम साहब आपको बुला रही है। बेवकूफ हूं मैं, लोग तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मैं तो बार बार कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार ली। कितने खफा हो गए और इतना गुस्सा करते हैं कि जल्दी मानते भी नहीं। मैं ही पागल हूं बेटा, हमारी लॉयर से बात हो गई है, बहुत जल्द तुम्हारे तलाक के कागजात तैयार हो जाएंगे, वो भी 2 दिन में। इधर प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार हुए और उधर तुम्हारे तलाक के पेपर्स तैयार हो जाएंगे, और जैसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी ना, फिर तुम आजाद हो। क्या बात है आया बेटा, तुम खुश नहीं हो क्या? बेटा तुम तो यही जिंदगी चाहते थे ना, तुम्हें तुम्हारी आजादी प्यारी थी ना, बस। और तुम तो ये निकाह विकाह के झंझट से दूर होना चाहते थे ना, अब देखना तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी जीने से कोई नहीं रोकेगा, तुम्हें वो वापस मिलने वाली और तुम आजाद हो जाओगे। क्या बात है आहिल, ओ हम समझ सकते हैं आहिल कि तुम क्या सोच रहे हो, यही सोच रहे हो ना, सनम का क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, यही सब सोच रहे हो ना। तलाकशुदा लड़की का इस दुनिया में क्या होगा? आहिल बेटा हम जानते हैं कि तुम्हें हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह रही है, लेकिन बेटा सनम की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं, उसने अब तक जो कुछ भी किया है पैसे के लिए ही तो किया है। और बेटा एक बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरह की लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता अम्मी। अम्मी, अम्मी मुझे लगता है कि कभी इंसान को परखने में हम थोड़ी जल्दबाजी कर बैठते हैं। मुझे नहीं लगता कि सनम ऐसी लड़की है। आखिर तुम उसकी बातों में आ ही गए, है ना? तभी तो तुम्हें हकीकत दिखाई नहीं दे रही। बेटा, तुम जज्बात में बहकर कमजोर हो रहे हो। ऐसा नहीं है अम्मी। फिर कैसा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हें वो बुरे ख्वाब फिर से क्यों आ रहे हैं? आपको कैसे? और कौन बताएगा? सनम ने बताया। जानते हो आजकल सनम कुछ ज्यादा ही तुम्हारी पुरानी जिंदगी में दिलचस्पी ले रही। हमारे पास आई थी तुम्हारे बचपन के बारे में जानने के लिए, वो तो हमने संभाल लिया, लेकिन सोचो अगर इसी तरीके से वो तुम्हारे अब्बू के बारे में पूछताछ करती रही तो उसे क्या क्या पता चल सकता है। आहिल बेटा हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहाया है, हमेशा तुम्हारे खानदान का भला चाहा है, और अब जब हमारे और तुम्हारे सब्र का फल हमें मिलने वाला है तो प्लीज बेटा प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाए। तुम समझ रहे हो ना आहिल? आहिल बेटा एक बात और देखो, आहिल हमारी एक बात हमेशा याद रखना, जो दिल के बहुत करीब होते हैं
अक्सर दिल को चोट वही पहुंचाती है।